डियर स्टूडेंट्स, आज का 8 नंबर टॉपिक से एपिसोड आ गया है। इसे आपको 24 घंटे में कंप्लीट करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी टफ है सर, इसे करना बहुत कठिन है। फिजिकल इससे टफ होगा, फिजिकल भी करते चलिए और टफ है तभी इतनी अच्छी नौकरी आपको मिलने वाली है। आज 8 नंबर एपिसोड में जो पहला टॉपिक आपको चल रहा है पहले दिन से, उसमें गवर्नर जनरल चल रहा है। और देखिए, पिछले साल क्वेश्चन में गवर्नर जनरल संबंधित प्रश्न आया और यूजुअली इसी तरह के एक दो क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता के बाद अंतिम गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, तो ये सब प्रश्न आते हैं। और कई बार जानते हुए सी राजगोपालाचारी या माउंटबेटन होगा या एटली होगा या चर्चिल होगा या डलहौजी होगा, कंफ्यूजन होता है। तो पहला ही टॉपिक, पहला क्वेश्चन आपका दिखा रहा है। तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हुए समझते हुए चलिए और अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाइए। लेकिन अच्छा प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा, पहले भी हमने बताया हुआ है कि देखिए, अच्छा प्रैक्टिस सेट वो है जो एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी आनुपातिक उसमें प्रदर्शन हो। हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसका आनुपातिक प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस का सेट हो। जैसे हिस्ट्री में लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस में 10-11 क्वेश्चंस आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में 15-20 क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही एनसीईआरटी के भी कुछ मौलिक क्वेश्चंस होने चाहिए। वो सेट देखते ही बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस अच्छे थे। मेरे हिसाब से रुक्मणी का अच्छा है, ज्ञान बिंदु का अच्छा है, एडुटेरिया का अच्छा है, ये सब अच्छा है, और भी अच्छे मैगजीन्स हैं। देखिए, आज करंट अफेयर्स में एक नया सेगमेंट हमने जोड़ा है और ये है डेट वाइज करंट अफेयर्स। एसपीटी का जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसके पीछे आप जाएंगे, पीछे में तो डेट वाइज वन लाइनर है। हमने 1 जनवरी से 15 जनवरी 15 दिन का जो वन लाइनर दिया हुआ है डेट वाइज, उसे आज स्टार्ट किया है, उसे भी पढ़िए बनाइए। संभव हो तो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है पीछे, इसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उससे बेटर वन लाइनर है। और स्टार्ट में जो पेज वाइज हम दे रहे हैं, रोज एक पेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैथमेटिक्स में आज सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन ऐड हो रहा है और रीजनिंग में दिशा और दूरी। तो जैसे जैसे समाप्त होते जाएगा हम आसान क्वेश्चन ही आपको देंगे, वैसे क्वेश्चंस जो रीजनिंग और मैथ में आते हैं, दरोगा में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ना हो कि भारी भारी क्वेश्चंस बना रहे हैं, उम्मीद कम है, ज्यादातर अप्लाइड आने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो इस पर आपका केवल हाथ चला हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी त्योहारी सीजन भी चल रहा है, त्योहार भी मनाइए, साथ ही पढ़ाई से भी जुड़े रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, अपना मन लाकर तैयारी में जुटकर एक सीट कंफर्म कीजिए और उसके लिए मेहनत तो करना होगा, ये पेजेस करने होंगे और साथ ही आपको फिजिकल में भी अपनी पैठ बनानी होगी, डेली हैबिट डालना होगा। आधे घंटे से भी डेली मॉर्निंग में उठिए, दौड़िए, जंप कीजिए, वॉक कीजिए, फिजिकल कीजिए, इस विश्वास के साथ कि मन लाकर हम पढ़ रहे हैं, अच्छी किताब के साथ पढ़ रहे हैं, रूटीन है, फिजिकल का दिन भी आएगा और फिजिकल भी निकालेंगे, फाइनल निकालेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।